हेलो भाई, मैं उन बार बहुत भाई डिमांड कर रहे थे कि भाई नेक्स्ट साल एक नई गाड़ी लॉन्च करी है, नई तो नहीं मतलब फेसलिफ्ट लगा लो XL6, उसको तो दिखाया जाए। तो आज आपके सामने हाजिर है ये ब्रांड न्यू XL6, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स एड ऑन कर दिए गए हैं और अब इतने फीचर्स डाल दिए हैं कि नेक्सा ने सोचा किसी बहाने चलो एक और वेरिएंट लॉन्च कर दिया जाए, जिसका नाम है अल्फा प्लस। अभी इसका टॉप वेरिएंट है, इसमें भाई जेटा और अल्फा आया करते थे पहले, लेकिन अब अल्फा प्लस में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। यहाँ पे आप सबसे पहले अलॉय व्हील्स देखिए, ये भाई एक ऐसी चीज़ है जो हम टिपिकल मारुति से एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब इस तरीके का डिज़ाइन जहाँ पे आपको 16 इंचेस के व्हील्स दे दिए गए हैं। जब XL6 आई थी ना, तब इससे शिकायत यही थी कि भाई 15 इंचेस के व्हील्स, यार बताओ इतनी बड़ी आप गाड़ी बना रहे हो, इतनी प्रीमियम सी दिखती है MPV, लेकिन उसमें 15 इंचेस के व्हील्स जमते नहीं है। अभी देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले Ertiga दिखाई थी, उसमें अभी भी 15 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। प्लस जो डिज़ाइन है ना, वो बड़ा तगड़ा लगता है, मतलब साइड से देखने में गाड़ी को एकदम प्रीमियम बना देता है। अच्छा, Ertiga और XL6 में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है भाई। डिफरेंस है आपका डिज़ाइन लुक का और एक आपकी सीट्स का। देखो, Ertiga में 7 सीट्स का ऑप्शन मिलता है, अगर आप XL6 की बात करोगे तो वहाँ पे आपको ये कैप्टन सीट्स मिलती हैं, जहाँ पे बीच में आपको देखोगे कुछ भी नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम साइड पर चली जाती है। अभी अल्फा और अल्फा प्लस में पता है क्या डिफरेंस है भाई, मेनली वेंटिलेटेड सीट्स का और TPMS का, बाकी आपको गाड़ी पूरी की पूरी सेम मिलती है अल्फा और अल्फा प्लस। अभी सबसे पहले देखिए, इस तरीके के हेडलैम्प्स आते हैं इसके अंदर, ये पहले भी आया करते थे, 4 LED हेडलैम्प्स हैं, मतलब ये ऐसे सेल्टोस जैसे लगते हैं, 2 लो पे 2 हाई पे आपके जलेंगे। ये DRL है, ये इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको LED फॉग लैंप मिल जाता है, पूरा सेट आपको LED का मिलता है भाई। Ertiga में ये मारुति वाले आपको DRL तक नहीं देते हैं, लेकिन XL6 जैसा कि प्रीमियम MPV है तो उसमें तो देना बनता था, तो यहाँ पे अब आपको मिलते हैं इसके DRLs। ग्रिल में थोड़ी सा चेंज कर दिया गया है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रिल अलग तरीके की मिलती है, हालांकि इतना कोई मेजर तो डिफरेंस नज़र नहीं आता है। यहाँ पे आप देखोगे कैमरा भी डाल दिया है भाई इसमें, अब 360 डिग्री कैमरा आता है, मतलब आपको चारों तरफ का व्यू मिलता है, जैसा ये बलेनो वगैरह में, मतलब फीचर्स तो बढ़ा रहे हैं भाई मारुति वाले ना, इनको भी पता चल रहा है कस्टमर को क्या चाहिए, तो अब यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा भी डाल दिया गया है, तो ऐसे ही लगते भाई फ्रंट से ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंसेस तो आपको नज़र नहीं आते हैं। मेजर डिफरेंसेस बस साइड से नज़र आता है ना, वो इसके अलॉय व्हील्स हैं। रियलिटी में भाई एक नंबर अलॉय व्हील्स लग रहे हैं, रियल लाइफ में अगर आप बात करते हैं, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन में कोई देखता है ना तो उसको लगेंगे यार रियलिटी में भाई मारुति इज़ डूइंग रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ आपके अलॉय व्हील्स। आगे आपको मिल रही है फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर में वही ड्रम ब्रेक्स दे रहे हैं ये लोग। यहाँ पे देखिए शीशे के नीचे, यहाँ पे आपको दिखता है इसका कैमरा, यानी कि इधर भी कैमरा, उधर भी कैमरा, आगे भी कैमरा, पीछे भी कैमरा, बलेनो की जरा हर जगह कैमरा दे दिए हैं। Ertiga में वो सब चीज़ें मिसिंग है भाई, यहाँ पे आपको मिल रहा है ऐसा आप तो मार्केट का ऐसा लग रहा है, लेकिन क्रोम आपको केवल अल्फा प्लस टॉप ब्रांड में ही मिलता है। 2 panes मिल रही हैं आपको, UV का टिंटेड ग्लासेस मिल रहे हैं, देखोगे पूरे ग्रीन ग्रीन, और ये वाला ग्लास देखो भाई कितना बड़ा है XL6 में। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है क्रोम डोर हैंडल्स पे। अभी मेन चीज़ जो है ना वो पीछे से है भाई, मतलब पीछे से लुक बहुत इंप्रूव कर दिया अब इसकी। यहाँ पे आप देखोगे पहले आपको स्पॉइलर मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है शार्प रेंटिना, और ये देखिए आप मेन चीज़ इसकी टेल लाइट्स, यहाँ पे देखो पूरा ट्रांसपेरेंट है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ भाई, देखो ये जो चीज़ है ना इसकी लाइट, ये अंदर है, मतलब जैसे हम आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो वो बाहर लटकी रहती है, जैसे हम स्विफ्ट वगैरह में देखते हैं अक्सर या क्रेटा वगैरह में लोग लगवा लेते हैं, इसमें ये ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर लाइट लगा रखी है, और यहाँ पे तो यहीं XL6 की यहाँ पे बैजिंग है, 3 LED पीछे की साइड है, बैक लाइट वगैरह, मतलब बहुत प्रीमियम लाइटिंग में तो पूरा बढ़िया पैसा लगा दिया। प्लस Ertiga की तरह ही अब यहाँ पे आपको क्रोम भी देखने में मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कैमरा देखिए, एक आगे है, 2 साइडों में, और पीछे साइड भी आपको एक कैमरा मिल जाता है। ये आपको इतना ही बूट स्पेस मिलता है 285 लीटर्स के लगभग, जितना आपने Ertiga में देख रखा है। अभी अगर इन सीट्स की बात करते हो तो इनको आप लिटा भी सकते हो, यहाँ से आप इसको ऐसे करोगे और इसको आप लिटा भी सकते हो, ये बार खींचने के लिए है, मतलब ऐसे खींच के आप इनको अपनी सीट्स को उठा भी सकते हैं भाई, इन सीट्स को ऐसे लिटा दो आप, हैं फिर तो देखो आपके पास स्पेस बच जाता है। अभी यहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह भी मिलते हैं आपको, और नीचे साइड अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे भी आप अपना कुछ सामान रख सकते हो, ये Ertiga की तरह ये सेम टू सेम। और अगर आप स्पेटर की बात करोगे तो नीचे की तरफ है, और ये आपको स्टील रिम मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी अलॉय व्हील नहीं दिया गया है। इसको बंद करते हैं, यार ये दिक्कत है थोड़ी सी ना, यहाँ पे हैलोजन लाइट दे देते हैं, पूरा सेटअप आपको जब LEDs का मिल रहा है, यहाँ पे हैलोजन लाइट थोड़ी बुरी सी लगती है। स्मार्ट हाइब्रिड लिखा गया, और यहाँ पे आपको XL6 की बैजिंग भी मिल जाती है, जो रिप्रेजेंट करती है कि भाई ये 6 सीटर वाली है, बाहर की कंट्रीज में तो XL7 भी आती है भाई। अगर आप इसकी बात करते हो फ्यूल लोड की, तो इसको आप ऐसे नहीं खोल सकते हो, मारुति गाड़ियों में ऐसा नहीं आता। और देखो ये अल्फा प्लस आपकी 6 ऑटोमेटिक, यानी कि अब इसका जो ट्रांसमिशन है वो 6 स्पीड कर दिया गया है, मैनुअल में 5 स्पीड आता है और ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड मिलेगा। इंजन में भी थोड़ी सी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ मारुति की लगती है कि यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है, जिससे आप अपनी कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। चलिए भाई फटाफट इंटीरियर में चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखोगे की कुछ ऐसी आती है इसकी, जहाँ पे भाई टिपिकल की है जो आपको बलेनो हो, स्विफ्ट हो, और ये सब A to Z गाड़ियों में। इस की के अलावा अगर आपको कोई और की देखने को मिल जाए
तो बहुत बढ़िया बात है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको ब्लैक मिल रहा है, बाकी अरेना की गाड़ी आप देखते हो तो यहाँ पे ब्लू ब्लू शेड आता है, लेकिन यहाँ पे ऑल ब्लैक है। यहाँ पे आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, अभी होइस लेनी है क्योंकि इग्निशन ऑन है। चलिए अब मैं आपको एंट्री में लेके चलता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ भाई, और फिर हम इसको अंदर से डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए भाई, इस प्रीमियम गाड़ी में आपको ये पूरा मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ता है, और आप जो सीट्स देख रहे हो वो आपको मिलती हैं पूरी पूरी लेदर राइड सीट्स। इसको बंद करते हैं, और ये ऑटोमेटिक है भाई। देखो फर्स्ट इंप्रेशन में बताऊँ इंटीरियर के बारे में, ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नज़र आपको नहीं आते भाई। इसको पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, ये गाड़ी ऑन हो चुकी है। बहुत साइलेंट गाड़ी है, 103 बीएसपी निकालती है अभी फिलहाल। ये 1.5 लीटर का के सीरीज, इसके अंदर पेडल इंजन आ रहा है। अब इसके अंदर आपको पेडल शिफ्टर्स भी देखने को मिलते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग भी, TPMS। जी भाई आप सही सुन रहे हो, ये है मारुति, न्यू मारुति है भाई। 4 एयरबैग, यहाँ से म्यूट कर दो इसको। ये देखिए मैं अभी लाइट ऑफ करता हूँ तो आपको और ढंग से दिखेगा। ये जैसे आपने बलेनो में भी रिसेंटली देखा था, अब आपको ये वाला सिस्टम मिल गया है। मतलब मारुति समझ आ रहा है कि भाई क्या चाहती है पब्लिक। ये देखना कितना प्यारा लग रहा है। तो साइडों में अगर मेरी गाड़ी का कोई भी डोलेगा तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या चल रहा है भाई। देखो भाई ये सेम यूनिट है जो बलेनो में मिलती है, लेकिन बलेनो का इस तरीके से लगाया है ना उन्होंने, ऐसा लंबा सा ऊपर करके कि अच्छा लगता है। अभी ये वाला ना थोड़ा ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है। इंटरफेस पूरा वही सेम टू सेम है, प्लस हे सुजुकी ऐसे करके भी इन्होंने फीचर्स डाल दिए हैं। मतलब वॉइस कमांड वगैरह के अगर फीचर्स की बात, देखो आ गया ना भाई, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इनका यूजर इंटरफेस इतना गंदा सा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों, पर आ गए ये सारे फीचर्स तो कोई मेरे ख्याल से यूज़ करेगा भाई। हे सुजुकी कोई यूज़ नहीं करता है मेरे ख्याल से तो फीचर, पर 40 प्लस कनेक्टेड फीचर्स आपको दिए हैं, वो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप बात करते हो, आपको टाइम वगैरह का पूरा सिस्टम मिल जाता है, इंटरफेस चेंज कर दिया है, मतलब स्मूथ तो काफ़ी है भाई। वाईफाई वगैरह का आपको पूरा सिस्टम मिलता है, और वो कितनी लेट सुनती है आपके सामने है यार, पर ठीक है। मतलब अगर इसकी बात करते हो तो भाई ये IT का जैसा ही सिस्टम आपको मिलता है, बस ये ऐसा जैसा पहले बलेनो में आया करता था ऐसा आपको देखने मिलता है, जहाँ पे ड्राइविंग टाइम, टोटल आइडल स्टार्ट स्टॉप टाइम ये सब पता चलता है। ये सब छोड़ो, सबसे मेन चीज़ जो है ना मारुति के बारे में, वो भाई अब इसके अंदर आपको मिलती हैं वेंटिलेटेड सीट्स। ये देखिए मतलब जो लेदराइट सीट्स आपको मिल रही है ना, इनमें से हवा आएगी और बहुत तेज़ आवाज़ करती है। मतलब नॉर्मल गाड़ियाँ जब हम देखते हैं ना, उनकी वेंटिलेट सीट्स आवाज़ नहीं करती, लेकिन ये ऐसा आवाज़ करे जैसा दूसरी गाड़ियाँ स्मार्ट प्योर एयर जो अपना प्योरीफायर होता है तब आवाज़ करती हैं। पर यार दिस इज मारुति भाई, यस। मतलब मेरे को बहुत खुशी सी हो रही है अंदर से कि चलो मारुति कुछ फीचर्स लेके तो आ रही है, वरना तो डिब्बा सा बना के दे देती थी। मतलब ऑफेंड ना हो कोई, लेकिन अगर आज कॉम्पिटिशन को आप देखो, ये गाड़ी सीधे सीधा किया कि करेंट से टक्कर लेती, क्योंकि अब इसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना। इस पर्टिकुलर मॉडल की मैं अगर आपको कीमत की बात बताऊँ ना, 14,39,000 रुपये का है भाई। तो किया करेंट से गाड़ी से कम्पीट करती है, उसका आप इंटीरियर देखोगे, उसका फीचर्स देखोगे तो भाई ये उसके सामने बहुत फीकी सी पड़ जाती है। तो इसलिए मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि भाई मारुति को अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे यहाँ पे आप देखते हो 360 डिग्री व्यू कैमरा तो आ रहा है इसका, जैसे हम इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमको वो दिखा तो देगा, लेकिन इनकी जो बटन्स की क्वालिटी है ये भी बहुत ऐसे प्रीमियम हो सकती है, प्लस जो प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं ना वो भी इम्प्रूव हो सकती है। अब जैसे सीट आवाज़ कर रही है, आपको किसी आवाज़ सुन रही होगी पीछे से, वो सब यही आवाज़ कर रही है, ठीक है भाई। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिल रहा है, यहाँ पे ऑटो फोल्ड आपको ORS मिल रहे हैं। ये देखिए जैसे ये देखो मैनुअल डे नाइट IR में आपको दे दिया, और इसकी क्वालिटी भी इतनी कोई खास नहीं है, तो ये सब में इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पे आपको मिलता है इसका सनग्लास होल्डर भी, अभी इन लोगों ने दे दिया है, और यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट्स भी मिलती है। यहाँ की बात करते हो तो यहाँ पे आपको मिरर विद आपकी लाइट भी मिलेगी, और ये अल्फा प्लस टॉप ब्रांड में आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ दी गई है। ये इसका ऑटोमेटिक 6-speed टोर कन्वर्टर आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे USB पोर्ट आपको मिल रहा है एक, जहाँ पे आप अपना इसके लिए USB लगा सकते हो, और यहाँ पे आप अपना लगा सकते हो 12-volt का सॉकेट, जिससे आप पैरा इन्वर्टर वगैरह आपके तारे में यूज़ करते हो। लेकिन USB पोर्ट मोबाइल चार्ज के लिए कहाँ है भाई, बताओ। वो भी तो कहीं होना चाहिए, मान लीजिए इसमें एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले आपका चल जाएगा, पर वो भी तो दो ना, अगर इसमें किसी ने पेन ड्राइव वगैरह लगा दी तो बंदा फ़ोन चार्ज कहाँ से करेगा। इसका छोटा सा आर्मरेस्ट आता है, इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ अगर डोर की बात करते हो तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी अलग तरीके की फिनिश मिल रही है। यहाँ पे आपको ये क्रोम में मिल रहा है आपका ये डोर ओपनर, बाकी ट्विटर आपको मिल रहे हैं। 4 स्पीकर ओवरऑल गाड़ी के अंदर मिलते हैं, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी आपको गाड़ी के अंदर दिया गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे आपको मैनुअल अपने वाइपर चलाने पड़ते हैं। AC कंट्रोल आपको मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर आता है। स्पीकर्स की क्वालिटी इसके अंदर ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसा इनोवा जैसा लगता है, उठा हुआ सा, और ये ऐसा फ्लैट होता है, पर इतना ज़्यादा भी नहीं है, इनोवा का थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है, पर ये थोड़ा सा फ्लैट है ना, तो आप आराम से कभी कुछ खा रहे हो तो यहाँ पे रख भी सकते हो, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पे जरूर मिल जाते हैं, और ये भी आपके हवा आती रहती है इनमें से, देखोगे आप तो ये भी कूल टाइप है, इनमें से आप मस्त आराम से चिल कर सकते हो। चलो अब दिखाता हूँ भाई इसकी कैप्टन सीट्स। तो यहाँ पे आपको मिलती है भाई, देखो लेदर की सीट्स मिल रही हैं, ये आपको नीचे वाले वेरिएंट्स में तो नहीं मिलती देखने के लिए, तो इसमें ये आपको यूज़ भी मिल जाती है। ये देखो यहाँ से हम इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं इन सीट्स को,
तो कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है भाई इसमें। प्लस यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है, दोनों सीट्स ऐसी हैं, यहाँ पे आपको मिलता है इसके एसी वेंट्स। और पीछे से इंटीरियर कुछ ऐसा नजर आता है जहाँ पे आप देखोगे ये मीटर हो गया, स्टीरियो हो गया और एसी वेंट्स का डिजाइन देखोगे पूरा एक साथ आपको देखने में मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है ये वाला अपना एक पोर्ट, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ सामान अपना आराम से रख सकते हो और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी दिया जाता है। पीछे एक साइड लेके चलता हूँ भाई, इन सीट्स को हम यहाँ से करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कितना स्पेस आपको देखने में मिलेगा। लेकिन इन सीट्स को जैसे चलो मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हूँ तो यहाँ पे पीछे एक साइड चलते हैं और देखते हैं कैसा स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए कप होल्डर मिल रहा है, यहाँ पे इसको ऐसे करिए और यहाँ पे ये ऐसे पूरी रिक्लाइन हो जाती है और यहाँ पे आप अपना बोतल वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे एक बारबोर्ड का एक सॉकेट भी दिया गया है और इस सीट को भी अगर आप चाहो तो ऐसे ऊपर कर सकते हो। प्लस ये भी दोनों अलग तरीके से खुल जाती है भाई आपकी। प्लस यहाँ पे भी अपना जैक वगैरह रखने का सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता है, देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा तो सब कुछ हिडन रहता है। एक क्वार्टर पैनल देखोगे बहुत बड़ा आपको मिलता है। स्पेस भी भाई ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऊपर कर सकते हो तो स्पेस वाइज भी गाड़ी ठीक है। अब जैसे देखो ये सीट लेटी हुई है ना, तो मैं इसको अगर ऐसे खींचूंगा तो ये मेरे को आगे करनी पड़ेगी, नहीं तो ये हो ही नहीं रही है। पलो मैं फिर भी ट्राई मारता हूँ जान लगा के, ये देखो हो गई और इसको मैं ऐसे ऊपर करूँगा और यहाँ पे ये ऐसी होती है, इसको पीछे कर देंगे तो अब आपके पास स्पेस बन गया। वैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ था कंफर्टेबली ऐसे ज़्यादा लिटा के ना, अब मैं देखता हूँ। देखो इतनी ज़्यादा लंबी जर्नी तो नहीं कर सकते पर हाँ ठीक ठाक चले जाओगे। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा होगा, जैसे 6 फीट हाइट है मेरी तो उसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर देखो भिच्चम भिच्चा तो आपको लगेगा। अगर इस गाड़ी के लिए आप 16.5 लाख रुपये ऑन रोड पे कर रहे हो हरियाणा दिल्ली वगैरह में, तो मेरे ख्याल से आप उतना ही आपको स्पेस वगैरह मिल रहा है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस वगैरह चाहिए तो इनोवा वगैरह आपके लिए बनी है, पर उनका रेट वगैरह आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो ये गाड़ी ऐसे बन मतलब दो बच्चे बैठ जाएंगे पीछे और 4 एडल्ट्स आराम से बैठ के कंफर्टेबली, ये वाले तो भाई फुल मौज में जाएंगे, बढ़िया स्पीकर सुनते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहीं पे हैं एसी वेंट्स, आपको थर्ड रो में कोई भी एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते देखने के लिए और ये पूरी सीट्स पीछे तक आपको लेदराइट मिल रही हैं। तो अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। और देखो प्लास्टिक वगैरह क्वालिटी भी आपको ठीक ठीक मिल जाती है, लेकिन ये देखोगे आप ऐसे ही हिल रहा है। मेरे को तो ये वाली सीट्स काफ़ी पसंद आई भाई, इनको आप VIPs की तरह इन सीट्स पर बैठ कर आराम से जा सकते हो, वो वाला हिसाब आपको XL6 में मिलता है। चलो एक मिनट इंजन और दिखा देता हूँ भाई इस प्यारी से दिखने वाली XL6 का पीछे से। आगे से मेरे को कुछ खास पसंद आई नहीं, और अपना अगर कुछ मेजर चेंजेस होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। पीछे जो है उन्होंने स्मोक कर दिया ना डार्क, ये बहुत बढ़िया लुक इसको अंदर दे रहा है। बाकी भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका प्राइस चार्ट, क्या प्राइस आपको मिलता है पूरा आप देख सकते हो। ये फरीदाबाद हरियाणा का ऑन रोड प्राइस। बाकी इंजन की बात करते हो तो इसमें आपको मिलती है 101 BHP के साथ 136 का टॉर्क और आपको ऑटोमेटिक मैनुअल सब में मिल जाती है गाड़ी, जिसमें आपका मर्जी करे वो आप उठा लो। बाकी भाई जो सबसे मेन चीज़ है मारुति के बारे में जो बात करनी चाहिए वो है भाई सेफ्टी। अभी इसमें क्या सेफ्टी फीचर्स डाले उनके बारे में बात करते हैं। इसमें आपके मिलते हैं क्वेड एयरबैग्स, मतलब 4 एयरबैग आपको मिलते हैं भाई। ये अपनी बलेनो में 6 एयरबैग्स देते हैं आपको पता हो तो, और इसमें 4 एयरबैग्स, मतलब प्रीमियम गाड़ी लेकिन फिर भी 4 एयरबैग्स। चलो छोड़ो भाई, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम इन्होंने डाल दिया है, आपको ESP मिल जाता है, ABS, EBD, इसके अलावा आपको हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ये सारे फीचर्स XL6 में दिए गए हैं। प्लस अगर आप इसके प्राइस की बात करते हो, ये पड़ती है भाई 16,62,000 रुपये की। इसके ऊपर एक डुअल टोन भी आता है 15,000 रुपये महंगा। और मैं बता दूं एक और फीचर इन्होंने मारुति वाले ने ऐसा डाल दिया इसके अंदर, अब फ़ोन से आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी गाड़ी को। और ये मारुति वालों को पहले ही फीचर मिला है तो बड़े खुश हो रहे हैं भाई ये, मतलब फ़ोन से भाई सारे इसको एडजस्ट करने लग रहे हैं। कभी स्टार्ट करनी हो, कभी पुई करनी हो, कभी लॉक अनलॉक, मतलब इन्होंने देखा नहीं ना मारुति वालों ने वो वाले फीचर्स, क्या करें भाई। मतलब अभी बलेनो में और अब XL6 में आए हैं तो इनको भी खुश होने देते हैं। ये किया वगैरह और ये तुम कब के लिए आए भाई इन रिमोट फीचर्स को, जो कि अब XL6 में देखने मिल रहे हैं। मतलब अब इसको आप गाड़ी को अपने फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे सब फीचर्स भी अब XL6 में डाल दिए गए हैं। बाकी मेरे ख्याल से तो किया करेंस एक ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है अगर आप इसके कंपैरिजन में बात करते हो XL6 के। बाकी आपके क्या विचार है भाई XL6 के बारे में आप कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।